हूँ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। तो जी आज हमारा मूड है कि हम लॉन्ड्री देने जाएं, आपकी भरपूर फरमाइश पे तसव्वुर को लेके जा रही हूँ कि धोबी के पास। आप सब कह रहे थे कि तसव्वुर भाई ने कब जाना है, तो आज वो जाने लगे हैं। वो कहेंगे कि मैं ले दे और ये यूं करके उसको बताएंगे कि ये ले पकड़। तो ये मैं कपड़े डाल लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो चलते हैं, ये कपड़े देते हैं, चलें आहिस्ता आहिस्ता, हमें भी आदत हो रही है। मैंने तो इनको कई दफा कहा मैं घर में धो लेती हूँ, जितने पैसे हमने लॉन्ड्री वाले को देने हैं ना, तो हम ना वो कर लेते हैं, स्टैंड ले लेते हैं। कहते नहीं नहीं उसको दबाना है। अभी हम तैयारी कर ली है और ये कपड़े भी डालनी है और बच्चों को भी तैयार कर लिया, यहीं करीब ही जाना है उसी धोबी के पास। तो उसको ये देते हैं लॉन्ड्री वाले को और कपड़े देंगे उससे, फिर पूछेंगे कितने दिनों तक वो धो देगा, फिर हम उठा लेंगे। वैसे तो हमारा मूड नहीं था, लेकिन फिर हमने कहा अच्छा चलें धुलवा के देखते हैं, अगर साफ धुलते हैं तो आसानी है, आराम से धुलवा लिया करेंगे। और ट्राई करने से ही होता है कि भाई एक दफ़ा ट्राई कर लेना कि भाई कैसे धो के देता है, तो फिर तो ईजी हो जाता है अगर साफ़ सुथरे धो के देते हैं। और अगर ऐसे ही बस पानी में खंगाल के देने हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है देने का। और मौसम अच्छा है, सुबह सुबह बारिश हो चुकी है और मैंने आके बनाने हैं चिकन नासी। जल्दी हटो, नासी बनाने के लिए हमने ड्राइविंग भी सीख लो आप। हाँ ड्राइविंग भी सीखनी है मैंने आज, सिखाओ। पहले दे के आए इधर से, छोर भी आ रहा है और हम पहुंच भी गए हैं। इन डील ओए हो डील इनसे करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेट करवा लो पहले। ओके पाकिस्तानी फैमिली वजन किया था, फिर हम आप लोगों को दोबारा दिखा रहे हैं ऐसे। ये देखिए ग्लोबल 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 कामिल कामिल। ओके 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 215 किलो, 15 किलो है 7000, 7 × 14 ते कुछ बन गए उसके। हाँ हाँ ओके ओके तू मारो टू मारो, सारे पहले टू टू मारो, टू मारो हो गया आ जाओ। ओके टू मारो, ओके टू मारो। आज उन्होंने वो भाई साहब कोई नहीं थे जिनके साथ इन्होंने ले दे कर ली थी, नहीं तो हमने उसके साथ ना ले दे कर देनी थी। कपड़े मिल रहे हैं, चलो चलो खाना भी पकाना है। थोड़ी सी गाजर और वो लेना है, खीरे लेने हैं थोड़े से। यहाँ से हम लेने आए हैं गाजर और खीरे। दो एक हमने वो लिया बिल देखते हैं इसका कितना बनता है। केला लेके बैठा है और ये अब इसको खाने लगा है। हाँ। ये देख बड़े लम्बे हैं। एक खाओ एक 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 अरे एक किलो खाओ तो सही, अंदर केला भी है कि कैसा हो रहे। ये देखो इसकी शक्ल कैसी है,
ये शक्ल भी कोई और है भाई, ये चिप्स ही ना बनती हो इस केले की। केला ये तो सबसे बड़ा, ये तो केले है सबसे बड़ा, ये केला भी नहीं लग रहा। हाँ केले की खुशबू है, देखा ये इनका कुछ देसी सा केला है। ये भी उसी पे चढ़ा हुआ है, आप दस छोड़ नहीं है, सही खांदे पे हैं कैसे और खांदे पे हैं। ये उसी पे पपीते पे लगा हुआ केला है, पपीते वाला केला। पपीते की तो बहुत खुशबू आती है, हर सब्जी में पपीता हर, होता है, हर सब्जी में गाजरें खीरे टमाटर हाँ। सारे पपीते हैं। ये जो लिया हमने इसको तो काटो, कटवाया नहीं उससे, पकड़ो भी काटना कैसे पता नहीं, ये भी नहीं पता। ऐसे दरमियान से काट के ना फिर ऐसे ऊपर छील दे, यूट्यूब पे वीडियो देखो और फिर काटो इसको। ये देखे बस मैंने ऐसे काटा है। हाँ ऐसे ही काटते हैं वो, ऐसे नहीं गोल गोल काटो, सबसे पैसे लगे हैं सब्ज पे भी। बड़ा मजे का यार, शक्ल से तो लग रहा है ये कल ठंडा करके खाओ ना। हाँ ऊपर रख दो फ्रीजर पे, बस बस अभी ने खाओ। फिर चक्कर ये छोटे बन रहे हैं, ये ले, ये ले, चलेंगे फ्रीजर में रख ले, ठंडा हो जाएगा फिर। हाँ मजेदार, यकीन करो पहला फ्रूट खाते हैं मजेदार है। हाँ जब से आए हैं ना सब फ्रूटों की तारीफ तो है, लेकिन पहले वाला इतना मीठा है ना, मजेदार, बड़ा जबरदस्त टेस्ट है। ये दरमियान वाला हिस्सा नहीं खाते, ये साथ में। अच्छा जी, पापा की परी बाइक चलाने लगी है। सुरेश कहता है, उसका कहता है पापा की परी चलाने लगी है बाइक। मैं अपने पापा की परी ही। अच्छा हाँ, तो अच्छा जी फर्स्ट टाइम मेरा बाइक एक्सपीरियंस है इंडोनेशिया में, तो आप लोग भी आए और मैं भी चला के देखती हूँ, सारे चलाते हैं तो मुझे भी शौक लगा कि चले बाइक ट्राई करनी चाहिए। पर सोचते ही मेरा दिल ना काफी जा रहा है, काफी जा रहा है। चलो अब डांटना नहीं, प्यार से समझाते हैं, आप तो डांटना शुरू कर देते हो हैं। आपको पाकिस्तानी तरीके से समझाना पड़ेगा, ये इंडोनेशिया वाला तरीका तो आपको ऐसा नहीं करना कर जानते हो। ये ना भाई सब इनको बाइक सिखाते हैं, ये कुछ अपने काम शाम खुद करें ना, यहाँ पे सब लोग बाइक चलाते हैं। पहले हेलमेट पहनो सर पे, ऊपर शाबाश, इसको हेलमेट का भी नहीं पता लगता, पुट्ठी साइड खड़ी सीधी साइड खड़ी पता नहीं लगता, पता नहीं लगता। हाँ सर सब लोग भाई, खवातीन मेरे ख्याल में कोई ऐसी खातून मैंने नहीं देखी शायद जिसको ना आता हो। हाँ, नहीं नहीं बच्चे भी चला, बच्चे बूढ़े खवातीन मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल ये स्कूटी तो भाई सब बहुत चलती है यहाँ पे। पहले बाइक उठा दी ऐसे आगे चला जाएगा, बैठने से पहले ही लड़ाई शुरू हो गई। पहले चीजें तो बताओ। आ जा रोड पे, आता हूं उड़ी ना जाए बबुआ, बाइक को पर न लग जाए। मैं पाकिस्तान जाती हूँ, हिम्मत भी मैंने खुद की है। सर बैठ, पाँव नहीं लगते मेरे नीचे, पाँव लगते हैं तेरे से भी। छोटी छोटी खवातीन हैं जो चला रही हैं, ये सीधा नहीं होता हैंडल, अभी सीधा ही है, कौन सा डिंगा है। बाइक स्टार्ट हो गई, इधर मौसम दिया हुआ है आपने। अच्छा तो ऐसे में पहले पहले वो क्लच दबाना है। कौन सा क्लच? पतला, ये क्लच पतला, ये वाला ब्रेक। अच्छा इसको दबा, नहीं नहीं पहले ये क्या चीज है, ये भी ब्रेक है, दोनों दबाएंगे तो रुक जाएगी। हाँ दोनों दबाएंगे तो स्पीड किससे कम होती है, इससे स्पीड, इसी इसको ऐसे करके तो ज्यादा होगी, ऐसे करके कम होगी। और इसको इससे कुछ नहीं होता, नहीं इससे कुछ नहीं होता। और ये सीधी कैसे रहेगी, मतलब इधर ना गिरे और इधर ना गिरे, वो आप चलाओगे तो सीधी रहेगी ना, सीधी रहेगी पक्का। अब बटन ये दबाओ, चलेगी तो नहीं, पहले वो दबाना है, दबा, हाँ बटन दबा, दबा हुआ है देखो, हाँ हाँ दबा हुआ है, दबा, ये रेस भी देनी है इस साइड पे, अंदर वाली साइड पे, ये एकदम से नहीं चलेगी, दबाई दबाई रखना है उसमें, दबाई रखो उसमें, ऑटो है, ये कितने की है
भी सही है, वो देखे तो सही, उड़ती आ रही। अब मेरे आँख पर क्या चढ़ा देना। ये दोनों ब्रेक हैं और सिर्फ ये रेस है बस। जब रोकनी हो तो एक दबाते हैं, दो दबाते दोनों हैं। दबा दो चाहे एक दबा दो। ये क्लच है, वो रेस है। नहीं रेस क्लच क्लच कुछ नहीं। ये सीधा कैसे रहता है? सीधा भी है, खुद ही बंदे को पता सीधा चल रहा है कि पुठा चल रहा है। देखो ठंडे पड़ गए हैं। नहीं नहीं इसके पास करो, नहीं है ये नहीं सीख सकते। ना 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 तेरे मेरी उंगलियां देख, ये तो वैसे गर्म हुई है, ठंडी है वो, खुद गर्म है। नहीं वो ना मैं गाड़ी में भी डरती हूँ। गाड़ी का कौन सा मुश्किल सिस्टम है? उसका ज्यादा मुश्किल है। ये फ्लॉप है। अब जुरेश की बारी है, पहले वो भी दबानी है। लड़के चला लेते हैं, मेरे से तो नहीं चलता। तो समर को गुस्सा आ रहा था मुझे ड्राइविंग सिखाते, वो ना ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाता है। मैं प्रैक्टिस करूं तो मेरे ख्याल में चला ही लूंगी। ये देखें आ
आदमियों के कमाल। कि आपको तो ड्राइविंग वो बाइक भी नहीं राइड कर सकती आप, नहीं सिखाना मुझे। आज का सबक बहुत है, बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी कोई गिराओ मुझे गिराओ आप गिराओ जख्म हो जाए। हाँ ये भी है, यहाँ तो दवाइयों का भी नहीं पता लगता, इतने मेडिकल का सिचुएशन का भी यहाँ इतना सीरियस। हाँ इससे तो चोट भी बहुत लगती है। रोड जाने पक्के सारे ना, वो इलेक्ट्रिक हल्की होती है, इलेक्ट्रिक पहले बंदा सीखे हल्के वाली। ये ना नहीं, ये थोड़ा सा ये भी होता है कि हर सीखने का माइंड होता है। हाँ सीखने वाला माइंड भी होता है, वो आपका तो है नहीं, उसमें ना दिलचस्पी होती है ना। हाय मेरे से अब लगता है ऐसे मेरे से कोई काम नहीं होगा घर का, तो वो दिलचस्पी वाला सीन नहीं है ना, मुश्किल है, लेकिन ये करने से हो जाता है। हाँ नहीं लेकिन मैं वो ड्राइविंग स्कूल से सीखूँ, शोहर से और बहन भाइयों से और बाप से कभी ना सीखो, वो तो डांटते बहुत है। आ जाओ भाई सब, ये पानी पर ठंडा हो गया और यहाँ पे गोश्त को निकाल लिया, बनाना है हमने नासी, नासी बनाना है मतलब पुलाव। हाँ। पाकिस्तानी नासी बनाना वो वाला नहीं बनाना, लेकिन जो पाइन एपल जो मीठा है ना यकीन कर मजे का मीठा है। सबसे पहले एक प्याज काटा है वो इसमें डाला है, और ये देखिए इसको अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं, इसके अंदर ये गरम मसाला डालेंगे साबित है, में ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है ये भी डाल देंगे। देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे ना मेरे पास कुंडा नहीं है, दौरा सोटा जिसको कहते हैं, तो इस तरह मैंने कूट लिया है। अदरक लहसुन गरम मसाला डालने के बाद इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे, कटा हुआ टमाटर। अक्सर लोग चावलों में यूज़ नहीं करते पुलाव में टमाटर, लेकिन हमारे यहाँ है कि करते हैं, दही भी अगर चाहें तो वो डाल सकते हैं, अच्छा टमाटर की जगह दही, लेकिन टमाटरों के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले को अच्छी तरह पकाएंगे टमाटरों के गलने तक, मैश होने तक हम इसको कुक करते रहेंगे। मसाला फ्राई हो गया, अब इसके अंदर गोश्त डाल देते हैं। साथ ही यहाँ पे नमक मसाला वगैरह आपने मिर्च मसाला जो डालना है ना वो डाल लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और मेरे पास है 1.5 गिलास चावल वो मैं डालूंगी। गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे, पानी मैंने डाल दिया है और 1.5 गिलास चावल थे तो 1.5 गिलास ही पानी डाला है। ये बॉयल हो रहा है, उसके बाद ये चावल भिगो के रख दिए हैं, अभी भिगोए हैं 5-6 मिनट पहले। मैंने इस बार सोचा है कि आप लोगों को पूरा तरीका बता दूँ कि कितने मिनट पहले आपने चावल भिगोने हैं। सिर्फ पानी डाल, जिस वक्त आपने पानी डालना है ना उसी वक्त चावल भिगो लेने हैं, ज़्यादा पहले नहीं। अगर सिला चावल हैं तो वो आधा घंटा पहले भिगो लें, उसके बाद मसाला बना लें, सारी चीज़ें तैयार कर लें और ये सारा कुछ। इधर मैंने सलाद भी तैयार कर लिया है ये वाला, और रायते के लिए दही तो मिला नहीं तो ऐसे ही खाएंगे। बच्चों को उस दिन बहुत अच्छे लगे थे तो वंस अगेन मैं बना रही हूँ। चावल मैंने डाल दिए हैं, ये देखें अभी डाले हैं, और इसको आप पकने के लिए रख देते हैं। आज मैंने बाइक सीखने की कोशिश की लेकिन वो कहते हैं मैं नाकाम होगी क्योंकि मेरा दिल ना बड़ा घबरा जाता है ऐसे, तो हर कोई हर काम में तो परफेक्ट नहीं होता, किसी किसी काम में फिर बंदा फेल हो भी जाता है। ये भी मेरा दिल ना घबरा रहा है, ऐसे लगता है जैसे ना मुझसे कोई नुकसान होने वाला है, तो ये पता नहीं क्यों फील होता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे मौसम है ही नहीं ऐसा पसीने वाला। हाँ कभी कभी 11-12 बजे ना धूप निकलती है तो उस वक्त पसीना आता है हल्का हल्का, अगर वॉक करें, वैसे बैठे हुए घर में मौजूद नहीं आता। और ये देखें सारे स्कूल से स्टूडेंट वगैरह वापस आ रहे हैं, कपड़े हम दे आए थे लॉन्ड्री पे कि भाई वो वॉश करके दें। अभी चलते हैं खाने को, देखते हैं कि खाना कहाँ तक पहुँचा है। सुरेश मैं मार्केट जा रहे हैं यहाँ पे और कुछ लेने ज़रूरी। सुरेश खुश है ना, आपको पता लग जाएगा मैं क्या लेने जा रही हूँ। खाना तैयार हो रहा है, तब तक सारे पैसे ही, असल में ना हमें सिक्के मिले थे तो हम उसी से कुछ लेने जा रहे हैं। यहाँ से लगती तो दूर है, वैसे अगर बाइक चलानी आ जाती सुरेश आप ही सीख लो,
हूँ, गाँव नहीं पहुँचते मेरे से ना, मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं जो कुछ होने लगी है। ये क्यों होता है? ये ना बर्डन बन जाता है कोई ना जहन पे, तो ना ब्रेक का पता लगता है, वो एकदम सारा कुछ गुडमुड हो जाता है आपस में। तो पता नहीं आप लोगों ने बताना है, आप लोगों में से मेरी बहनों में से किस किस के साथ ऐसा होता है अगर कोई नया नया ड्राइवर बन रहा है तो। आठ हम आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ से लेते हैं सामान जो हम लेने आए। ये नया स्टॉल लग गया है इधर, अभी हमने सामान ले लिया है और यहाँ से हम गुजरने लगे हैं। यहाँ से जगह है, घर जाने तसव्वुर को कोई नहीं पता कि हम बाहर गए हुए हैं ना। हाँ। पापा को कोई नहीं पता ना। नहीं। घर हम पहुंच गए हैं और माशाल्लाह से सामान भी हम ले आए हैं। ये शहरी बैठा है, दरवाजा बंद कर दो, चावलों को देख लेते हैं, ये पैसे बाकी पकड़ो। चावल हम देख लेते हैं, चावल माशाल्लाह से हमारे रेडी हैं, आपको चेक करवा देते हैं। पक गए, चले बच्चों को भी भूख लग गई है। इस बार ना टमाटर जो हम लाए हैं ना, मैंने बड़े गलाने की कोशिश की है, वो नहीं गले, मैश नहीं हुए अच्छी तरह। चले खाना रेडी हो गया, घर का खाना से बड़ी नेमत कोई नहीं होती। आ जाओ शेरी, तसव्वुर को बुलाने आ जाओ, खाना रेडी है। सब रात का खाना बन गया, आज हमने बनाया है पाकिस्तानी नासी। चावल हम पाकिस्तान से लाए थे। मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती, मेरा अभी तक दिल कांपी जा रहा है, मैंने बड़ी मुश्किल से ज़हन कंट्रोल किया, मेरे दिल करता मैं अभी बेहोश हो जाऊं। चलो जी बिस्मिल्लाह। आप के अलावा आप मजाक समझते हैं। चावल कितने लंबे हैं? चेक करके बताता हूँ मैं आपको कैसे। मज़ेदार, सारा कुछ पूरे अच्छे बन गए। असल में हमारे पास पकाते हुए चखने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए हम आप लोगों से पूछते हैं कि कैसा बना। फिर जब आप लोग कहते हो कि नहीं अच्छा बनाओ, फिर दिल करता है, बस दिल ही करता है। फिर खाना खा लिया शेरी सुरेश तसव्वुर सब ने और बहुत मज़ा आया। और बाकी अभी मेरा टाइम हुआ है वीडियो एडिट करने का, मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों से भी तो शेयर करना है आज का। तो इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।